मालेगांव केस में एनआईए कोर्ट की चेतावनी के बाद पेश हुई प्रज्ञा ठाकुर, साइन की जगह लगाया अंगूठा। पूर्णिया लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव के 11 समर्थक गिरफ्तार, थार गाड़ी जब्त। अखिलेश यादव की सालाना 84 लाख कमाई पर नहीं है अपनी कोई गाड़ी, 74 लाख का कर्जा भी। २०२४ के दूसरे चरण का मतदान आज, 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर होगी वोटिंग। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी ब्रजेंद्र सिंह को दिया झटका, हिसार से नहीं मिला टिकट। हरियाणा की 8 लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित, सिरसा से शैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। ईवीएम में मोदी की तस्वीर ढूंढ रही थी महिला, प्रधानमंत्री बोले मां बहनों का स्नेह देखकर आंसू आ गए। सड़क किनारे हुए हादसे में बचाव कार्य कर रहे 9 लोगों को कार ने कुचला, 2 की मौत। इंदिरा गांधी की संपत्ति पाने के लिए राजीव ने बदला था विरासत कानून, पीएम मोदी का कांग्रेस पर चौतरफा हमला। अपनों को संभालने में छूटा भाजपा कांग्रेस का पसीना, क्रॉस वोटिंग से शुरू हुआ था सियासी खेल। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।